खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से है, जहां बीते फरवरी को शहर में 3 कॉलोनियों में चोरी का कोतवाली पुलिस ने साइबर सेल ने खुलासा कर दिया है। साथ ही चोरी के मामले में पुलिस ने एक सोनार सहित 3 अंतरराज्यीय चोर को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 4,32,000 कीमत के गहने बरामद हुए हैं। बता दें कि बीते 19 से 20 फरवरी की रात कुछ अज्ञात आरोपियों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक घर के अंदर सहोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बीच में लगातार सूचना मिल रही थी, आप लोगों को पता होगा कि कई सारे आवासों में, घरों में लगातार चोरियां हो रही थी। ये जो चोरियों का क्रम था, ये सिर्फ मात्र धमतरी तक ही सीमित नहीं था, ये कोंडागांव में भी हो रहा था, कांकेर में भी हो रहा था और बस्तर जिले में भी हो रहा था। तो जब हमें सूचना मिली तो हमने अपनी टीम को लगाया और टीम ने इसमें काफ़ी विस्तार से मेहनत करी। इन्होंने इस पूरे क्रम को ट्रेस किया, धमतरी के क्रम को, यहाँ पर भी CCTV देखे, नाका वगैरह सब देखा, इसके आगे भी देखा, फिर पूरी तकनीकी आकलन किया, कोंडागांव जा करके भी, बस्तर जा करके भी, कांकेर जा करके भी। उसके बाद जब पूरी तकनीकी आकलन हो गया, उसके बाद ज्ञात हुआ कि इसके पीछे जो मुख्य चोर है वह गणपत मोहनिया, ये पूरे गुट का सरगना है। ये रहने वाला है कुसमैया घाटी, टांडा थाना पड़ता है, धार जिले का। ये अपने परिवार के लोगों के साथ में ही चोरी करता था। ये 18 साल की उम्र से चोरी कर रहा है, मतलब पिछले 22 वर्षों से चोरी कर रहा है, अभी 39 की उम्र का है और ये आज तक कभी पकड़ा नहीं गया है।